देश भर में एक ओर जहां कृषि कानूनों को लेकर विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। प्रस्ताव होने के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा मच गया। पश्चिम बंगाल ऐसा छठा राज्य बन गया है जहां केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है। पंजाब, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान और केरला ने पहले ही इन तीन कृषि कानूनों को अपनाने से इनकार कर दिया है। बंगाल विधानसभा में ये प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया, जिसका भाजपा ने जमकर विरोध किया। राज्य सरकार की ओर से संसदीय कार्य और शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ सदन में प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश होते ही इसके समर्थन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संबोधन शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि विधानसभा में ममता का भाषण शुरू होता, बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन, हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी विधायक दल के नेता मनोज टिग्गा ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक दुलाल चंद्राबार ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया, जिसके बाद बीजेपी के अन्य विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इन विधायकों के हंगामे की वजह से ममता अपना वक्तव्य ढंग से नहीं रख पाई। इसके साथ ही नारेबाजी करते हुए बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। ममता बनर्जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह काफी दुख की बात है, अगर कोई आंदोलन करता है तो उन्हें आतंकवादी की संज्ञा दे दी जाती है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर ये बंगाल में हुआ होता तो अमित भैया कहते कि क्या हुआ। किसानों को आतंकवादी करार देने के भाजपा के प्रयासों को हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा हर आवाज को दबाना जानती है बस, लेकिन हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या तो किसान बिल को निरस्त करें या फिर पीएम और गृह मंत्री इस्तीफा दे दें। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर